नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यार से चैनल टेक बाय एसपी में। बिहार संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। फाइनली लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे बिहार के सभी संविदा कर्मियों के लिए बेहद खुशी की खबर लेकर के आ गया हूं। तो प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, बिहार के संविदा कर्मियों से जितनी भी अपडेट आएंगी सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। अगर आप बिहार में संविदा पर कार्य करते हैं और आप का अनुभव 10 साल का हो चुका है तो बिहार सरकार आप सभी संविदा कर्मचारियों को जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने जा रही है। यहाँ पर आप लोग मेरे थंबल पे देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के हाथों परमानेंट लेटर जारी। जी हाँ प्यारे साथियों, आज बिहार सरकार ने संविदा कर्मचारियों के हित में बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, सभी विभागों को नियमित करने का फैसला ले लिया। उन्होंने साफ साफ कहा नीतीश कुमार जी ने कि बिहार में टोटल 44 विभाग जो संविदा पर कार्य करते हैं उन सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को लाइव अपडेट आज की दिखा देता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रदेश सरकार ने 1.84 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन का नया फार्मूला बना लिया है। इसके अनुसार इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली सातवें वेतन के नियमित वेतन मिलेगा। कैबिनेट में बीते मंगलवार को लिए गए फैसले में बताया गया है कि बाद में शासन ने नए नियमों का खाका बना लिया, इसे नियमित पद पर भर्ती के लिए भी कहा गया है। सरकार द्वारा तय नियम के नए वेतन के संविदा कर्मचारी को अधिकतर अधिकारी महासंघ नाखुश है। प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना कि इसमें वरिष्ठ तवज्जो भी नहीं दिया गया है। समान वेतन के लिए मिले पुराने कर्मचारियों के वेतन परीक्षा के आधार पर तय करना चाहिए। जो पहले से नियमित पदों के लिए विरुद्ध काम कर रहे थे इनको रेगुलर कर देना चाहिए। तो आगे आपको देखने को मिलेगा प्यारे साथियों, अगर आप संविदा पर कार्य करते हैं और आपको जो है नियमितीकरण का इंतजार है तो आइए मैं आप लोगों को किस तरह से आपकी सैलरी मिलेगी उसको स्लिप मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, साफ साफ पढ़ेंगे प्यारे साथियों, आपको मैं जूम करके पढ़ा देता हूँ। किस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्या होगा नया वेतन श्रेणी नियमित पद पर संविदा के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि संविदा के लिए अगर आप संविदा कर्मी हैं चतुर्थ श्रेणी में आते हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो 13,950 रुपये और मैक्सिमम सैलरी जो होगी 16,100 रुपये। साथ ही साथ आपको जो 50% का DA दिया जाएगा, HRA दिया जाएगा, इसी तरह से आपको स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं तो आपको जो मिनिमम सैलरी होगी वो 16,200 और मैक्सिमम सैलरी की बात करता हूँ प्यारे साथियों तो 32,800 रुपये जो आपकी मैक्सिमम सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर आप सबके जो है 25,000, 22,000, 28,000, 25,000, 19,800 तो इसी तरह से दिया गया है। तो दोस्तों, ये सैलरी उन्हीं को मिलेगी जिनका योग्यता जिस अनुसार रहेगा। अब आगे आप देखेंगे द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को जो मिनिमम सैलरी होगी प्यारे साथियों वो 32,580 रुपये है और आपको देखने को मिलेगा कि हाईएस्ट सैलरी जो है 56,100 रुपये है। अब साफ साफ आपको देखने को मिलेगा प्रथम श्रेणी यानी ए ग्रेड के कर्मचारियों को मिनिमम सैलरी जो होगी वो 60,570 रुपये और मैक्सिमम सैलरी जो है 1,23,100 रुपये। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको देखने को मिला इन कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ता, मकान किराया, वाहन ग्रेजुटी भत्ता, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल यहाँ सुविधा, सारी सुविधाएँ आप सबको मिलेगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सबको साफ साफ देखने को मिल गया है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारी सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने वाला है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।